सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। प्राचीन काल में राजस्थान में बहुत बार शाके और कई बार जौहर हुए। जौहर यानी पुराने समय में भारत में राजपूत स्त्रियों द्वारा की जाने वाली एक क्रिया थी, जिसमें युद्ध के बाद महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से बचने और अपनी पवित्रता को कायम रखने के लिए महिलाएं अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करके जलती चिताओं में कूद पड़ती थीं। वीरांगना महिलाओं का ये आत्म बलिदान जौहर कहलाता है। दूसरा होता है शाका, यानी जब युद्ध में वीरों को लगता था कि हम नहीं जीत पाएंगे, तब खुद मरने और दुश्मनों को मारने की भावना को लेकर पुरुष केसरिया वस्त्र धारण कर लेते थे और युद्ध में उतर जाते थे। तब युद्ध के दौरान महिलाएं भी जौहर की ज्वाला में कूदने का निश्चय कर लेती थीं, अर्थात जौहर कुंड में आग लगाकर खुद भी उसमें कूद जाती थीं। जौहर कर लेने का कारण युद्ध में हार होने पर शत्रु राजा द्वारा हरण किए जाने का भय होता था। इतिहास काल में कई बार जौहर हुआ, तो आइए जानते हैं भारतीय इतिहास के जौहरों के बारे में। चित्तौड़गढ़ के शाके और जौहर। चित्तौड़गढ़ का गौरवशाली इतिहास तीन बार जौहर का साक्षी रहा है। इसमें हजारों वीरांगनाओं ने अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए धधकती ज्वाला में कूदकर प्राणों की आहुतियां दी थी, और ये सारे जौहर मुगलों के आक्रमण के समय हुए थे। चित्तौड़गढ़ का पहला शाका वर्ष 1303 में हुआ था, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य और उसकी सेना काफी बड़ी थी, लेकिन ये युद्ध राणा रतन सिंह की सुंदर महारानी पद्मिनी को पाने की लालसा में हुआ था, जिसमें रानी पद्मिनी सहित कुल 1600 स्त्रियों ने जौहर किया था। दोस्तों, इन वीरांगनाओं के लिए दिल से एक लाइक तो बनता है। आज चित्तौड़गढ़ के किले में जौहर कुंड हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज भी कोई उस जौहर कुंड के पास नहीं जाता। कहा जाता है कि जब चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध में जैसे ही चित्तौड़गढ़ के राजा की धोखे से हत्या की खबर महारानी पद्मिनी को मिली, तो वो अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए महल के अंदरूनी दरवाजे से होकर जौहर कुंड तक गए, जिसमें महारानी पद्मिनी और महल के सभी स्त्रियों के साथ जौहर कुंड में छलांग लगा दी, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल थीं। उस कुंड में सबसे पहले छलांग लगाने वाली महारानी पद्मावती थी। उस जौहर कुंड से भयानक चीखें आने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उस दरवाजे को बंद करवा दिया था। कहा जाता है कि आज भी उस कुंड से बुरी शक्तियों की आवाजें आती हैं, इसलिए उस कुंड के पास कोई भी नहीं जाता। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका सन 1535 से 1537 के मध्य में, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला किया, तब राजमाता रानी कर्णावती ने दुर्ग की 13,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर का अनुष्ठान करके अपने प्राणों की आहुति दी थी। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ पर जोरदार आक्रमण किया। ये साका जयमाल और फत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। इसमें फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकंवर के साथ 700 रानियों ने जौहर किया था। जैसलमेर का जौहर। जैसलमेर का पहला जौहर और शाका उस समय हुआ जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना के साथ आक्रमण करके दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया था। इसमें भाटी शासक रावल मूलराज, कुंवर रतन सिंह सहित अगणित योद्धाओं ने युद्ध लड़ा तथा महिलाओं ने जौहर का अनुष्ठान किया। जैसलमेर का दूसरा शाका फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में हुआ, जब रावल दूदा त्रिलोक सिंह व अन्य भाटी सरदारों और योद्धाओं ने शत्रु सेना से लड़ते हुए वीर गति पाई और दुर्ग की वीरांगनाओं ने जौहर किया। जैसलमेर का तीसरा शाका अर्ध शाका कहलाता है। इसमें वीरों ने लड़ते हुए वीर गति तो पाई, लेकिन जौहर नहीं हुआ, अतः इसे आधा शाका ही माना जाता है। ये घटना 1550 ईस्वी की है, जब राव लूणकरण वहां का शासक था और उस समय कंधार का शासक अमीर अली था जिसने आक्रमण किया, जिसमें युद्ध के बाद महिलाओं को सूचना मिली थी कि उन्हें विजय होने वाली है, जिसके कारण वे जौहर करने से रुक गईं। लेकिन कुछ पुस्तकों में ये भी मिलता है कि आक्रमण अचानक होने के कारण वे जौहर नहीं कर सकी थीं। रणथंभौर का जौहर। रणथंभौर किले के जौहर से जुड़ी जानकारी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई एक फारसी भाषा की किताब में मिलती है, जिसमें सन 1301 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर हमला कर दिया था। राजा हमवीर देव बहुत प्रभावशाली एवं बहादुर राजा थे। उन्होंने खिलजी की सेना को लौटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अलाउद्दीन ने झूठी मित्रता वाले प्रस्ताव और छल कपट से उस किले के राजा
हमीर देव को हरा दिया। उसके बाद उनके मंत्री ने जौहर एवं साका करने की सलाह दी और उनकी पत्नी, बेटियों और अन्य रिश्तेदारों ने जौहर किया। बुंदेलखंड का जौहर। औरंगजेब के आक्रमण के कारण बुंदेलखंड में वर्ष 1634 में जौहर किया गया था, जो कि औरंगजेब के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के विरोध में किया गया था। इतिहास के अनुसार औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासक था और ये इतिहास में किया गया जौहर सबसे अंतिम जौहर था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।